हमने परमिशन दिया था काफी लंबी बातचीत के बाद, कि जितने भी फार्मर्स हैं जो अपनी ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं वो उनको एक दी गई रूट के अनुसार पर वो चलेंगे, लेकिन हमने पाया कि वो उस रूट पे न चल करके वो जबरदस्ती बैरिकेड्स को तोड़ करके और अन्य दिशा में निकले, कुछ लाल किला गए कुछ अन्य दिशा में गए। मैंने देखा कि आप लोग जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और आउटर डिस्ट्रिक्ट इस रेंज के सभी पुलिसकर्मी जो जहां जहां लगाए गए थे बड़ी मेहनत के साथ काम किया, बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम किया, आपने काफी रेजिस्ट किया, आपने नॉन वायलेंट तरीके से हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, आपने बेवजह कोई भी जोर का इस्तेमाल नहीं किया, काफी समय तक आपने समझाया बुझाया उनको, आपने अन्य तरीकों से आपने उनको रोका, अंत में बहुत ज्यादा भीड़ आई और वो फिर बैरिकेडिंग धीरे धीरे टूटी और वे बैरिकेडिंग तो कई जगहों पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उन्होंने जो हमारे साथ समझौता था उसका उल्लंघन किया। आप लोगों ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए आपने ड्यूटियां दी। जहां तक आउटर डिस्ट्रिक्ट की बात है 170 के करीब आप जख्मी हुए हैं, मुझे फिगर्स एग्जैक्टली वेस्टर्न रेंज की नहीं मालूम है, 144 की बात बता रहे हैं, लेकिन पूरे दिल्ली की बात लें तो 510 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। विभिन्न जगहों पे आप जानते ही हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं आप सबके कार्यकुशलता और जिस तरीके से आपने चीजों को हैंडल किया उसकी बहुत ही तारीफ करता हूं। और ऐसे ही जो समय को समझते हुए हर एक पुलिसकर्मी को काम करना चाहिए। मैं जानता हूं आपके मन में कई प्रकार की विचारें आई होंगी कि हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, हम वैसे क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने समझ का पूरा इस्तेमाल करते हुए जो दिल्ली के हित में है वो करना चाहिए, दिल्ली की जनता के हित में है वो करना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस के जो मान मर्यादा के हित में है, जो हमारी कार्यकुशलता के हित में है वो करना चाहिए। यहां पे अपना निजी हित हट जाता है, बल्कि उसके जगह पे डिपार्टमेंट और दिल्ली की जनता के हित में क्या चीज है वही हमें करना चाहिए, समाज के हित में क्या है वही हमें करना चाहिए। इसमें कभी किसी को अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमें चोट लग गई, हमारे ये हाथ टूट गया या पैर में फ्रैक्चर हो गया या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई। मैं समझता हूं ऐसे बहुत मौके आए होंगे पहले ही और इस प्रकार के का काम पहले भी आपने किया होगा और उस समय भी चोटें आई होंगी। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का काम चीजों को बना करके व्यवस्था बना करके चलने का काम है। हम पार्टी नहीं बनते, हम किसी को अपना किसी के साथ हम झगड़े के इरादे से नहीं करते काम। हम चीजों को चाहते हैं कि ठंडा हो, व्यवस्था बनी रहे और उस प्रकार से हम काम करते हैं। और इसमें वो दुखद है
वो आपके लिए भी है, आपके परिवार वालों के लिए, आपके दोस्त मित्र के लिए, पूरे डिपार्टमेंट के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, अपने अपनी ड्यूटी के वास्ते ऐसा हो रहा है। इसलिए हर किसी को भी, मैं जानता हूं आप हिम्मत वाले हो, आपको तो कुछ इसका फर्क नहीं पड़ा होगा, आपके परिवार को, आपके दोस्त मित्र को थोड़ा फर्क पड़ा होगा क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपने उनको समझा दिया होगा कि हम अपने फर्ज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे जो बॉर्डर्स पे, मैं दिल्ली के अंदरूनी जो बॉर्डर है, दिल्ली के बॉर्डर पे है या जो भी पॉइंट्स पे आपको जो ड्यूटी कर रहे हैं, आपने ठीक उसी प्रकार से आपने काम किया। आप जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, ठीक उसी प्रकार से आपने काम किया, आपने दिल्ली पुलिस ठीक उसी प्रकार से काम किया है। मैं इस बात को समझता हूं और आगे भी हमें समय को समझते हुए हमें आगे भी काम करना है। क्या तरीका होगा, कैसे करेंगे, क्या रणनीति होगी, कैसे होगा, वो मैं इस सभा में बता नहीं सकता, लेकिन एक बात तय है, जो आपको अफसर जिस तरीके से कहते हैं करने के लिए, आप उस प्रकार से करेंगे। हम डिसिप्लिन फोर्स हैं, हम एक तरीके से सोचते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कई लोग सोचते होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। आप जानते हैं हम चूंकि डिसिप्लिन फोर्स हैं, हमें चीजों को बनाना होता है, बिगाड़ना नहीं होता। अगर कोई बल प्रयोग करता है, लेकिन हम उसे समझाएंगे और उसे शांत करेंगे। तो इसलिए ये जो अहिंसा और बल प्रयोग न करने का ये सही निर्णय है। लोग चाहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि भड़काए, लेकिन आपने भड़के नहीं, आपने जो संयम था आपका कभी खराब नहीं हुआ। हो सकता है कि कोई चाहता हो कि आपको भड़काए, आप अपनी जो संयम है उसको भूल जाए, लेकिन आपने नहीं किया। इसलिए हमें हमेशा अपने को मजबूत बनाते हुए आगे की तैयारी करनी है। आगे की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी इंटेलिजेंस है उसके बारे में पूरा ध्यान दें, क्या प्लान्स हैं उसके बारे में पूरा ध्यान दें, कैसे हैंडल करा जाए उस पर पूरा ध्यान दें, रिहर्स करें, और जैसा कि मैंने कहा कि अपने रणनीति और सोच के अनुसार से ही हम काम करें। कभी वो सोच जो भी बनाई जाती है उससे हम कभी भी भटके नहीं। खैर, मैं इसके लिए नहीं आया हूं, रणनीति बनाने के लिए नहीं आया हूं। यहां कई सारे मीडिया के लोग हैं, जो मैं बात कहूंगा उसको वो चाहेंगे कि डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करें। और एक और भी जो बात नहीं कही जा रही है उसको मोड़ने की कोशिश करें। मैं यहां से बस सिर्फ आपसे बातें करने के लिए आया हूं, आपके अच्छे काम के लिए आपको प्रोत्साहन देने के लिए आया हूं, आपको ये कहने के लिए आया हूं कि आप बहुत सारे, आप सभी वीर हैं, आप बहुत ही निडर हैं और आपने बहुत अच्छी ड्यूटी दी है।
मैं कल गया था ईस्ट डायरेक्शन में गाजीपुर, और गाजीपुर में मैं वहां पे आपके साथी जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं या बाहर से जो आए हुए हैं वो लोग भी थे वहां पे, जितने भी सीएपीएफ के सीआरपीएफ आरएएफ सीआरपीएफ का हिस्सा है, सीआईएसएफ के भी लोग थे, आईटीबीपी के भी लोग थे, वहां पे भी हम उनकी सराहना किया। वे लोग भी उसी प्रकार से ड्यूटी पर डटे हुए हैं जैसे हम दिल्ली पुलिस कर्मी डटे हुए हैं। दिन हो या रात बराबर आप ड्यूटियां कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि रात का समय बहुत ठंड होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा इंतजाम न होने के बावजूद भी आप लोग अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। इन सब चीज को मैं समझता हूं और मैं आप इसकी तारीफ भी करता हूं। कल हमने एक सहायता के तौर पे हमने कुछ अपने दिल्ली पुलिस वेलफेयर फंड के तरफ से हमने कुछ राशि निश्चित किया है, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हमने उसके लिए प्रावधान भी दिया है, और जो वैसे तरीके से भी इंजर्ड हैं उनके लिए भी प्रावधान किया है। सब आपको मालूम होगा क्या राशि है, आप सबको मालूम होगा। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये जिसको चोट लगी है, जिसके हाथ टूटे हैं, जिसका डिफरेंट इंजरी हुई है, उसको एक छोटी सी राशि वो कंपनसेट नहीं करता। यद्यपि सारा इलाज सरकारी खर्च से होगा, और जो जिस पीरियड में आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, मैं वो भी कहता हूं कि वो एक मेडिकल लीव के रूप में ट्रीट की जाएगी और वो आपकी छुट्टी कटेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये राशि उस इंजरी को, जो इंजरी है, जो कष्ट है, जो आपने सहा है, उसको कंपनसेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं उस अमाउंट को मैं यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सबको मालूम है। अंत में आपकी काम का सराहना करते हुए एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप अच्छी ड्यूटियां की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।